तो प्यारे प्यारे बच्चों, एक डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, आपको ना नाम को समझना पड़ेगा, नाम के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ड्यूअल मतलब दो, बिहेवियर मतलब आपको पता है बिहेवियर का मतलब क्या होता है, स्वभाव है ना, कैसा स्वभाव है, वर्ताव, स्वभाव, जो मर्जी बोल लो। और यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप अपने सनलाइट को समझ लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम सनलाइट को लेके ही चलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है, आप मानिए सूरज की रोशनी, सनलाइट। जो सनलाइट है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बात समझ पा रहे हो? वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर क्या होता है आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अगर नहीं पता तो चलो किसी ने कभी और बात कर लेंगे, वैसे हमने बात कर रखा है, लेकिन हमारा मुद्दा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना नहीं है। हम ऐसे पढ़ेंगे, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ सनलाइट। अब सनलाइट को पकड़ लो और उसके ड्यूअल बिहेवियर की बात करो कि भाई ड्यूअल बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब कहना क्या चाहते हो? तो देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। प्यारे बच्चों, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट को किया। हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया वो समझो। जैसे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा रिसेंटली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है बता देना मुझे, वैसे तो तुम सब ने अभी पढ़ा है, काफ़ी सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा जो रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने अभी जब भी हमने पढ़ा, पढ़ लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और एक और कुछ एक्सपेरिमेंट होता है जो हमें 12th में पढ़ना है, जैसे कि होता है हमारे पास इंटरफेरेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंटरफेरेंस, और होता है हमारे पास डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ फेमस एक्सपेरिमेंट्स के नाम लिखे हैं, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट। आज के वाइवा में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, तो जब हमने इन एक्सपेरिमेंट को किया तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो बताता है, चीख चीख के बोलता है कि जो लाइट है ना, लाइट सर, ये लाइट ना एक लाइट ना पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। लाइट कैसा बिहेव करता है? लाइक अ पार्टिकल। बात समझ पा रहे हो? वो कहता है कि लाइट ना पार्टिकल है। क्या है पार्टिकल? मतलब मान लो एक इलेक्ट्रॉन की तरह है लाइट, एक प्रोटॉन की तरह है लाइट, लाइट एक बॉल की तरह, अगर मैं बहुत रफली लैंग्वेज में यूज़ करूँ तो एक बॉल है लाइट। क्या है? एक बॉल जो बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से आता है, 300,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। तो लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है, पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल। ऐसा इमेजिन करो कि मैंने कहा देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या है? एक लाइट का पार्टिकल, लाइट का, इसको बोलते हैं हम फोटोन। क्या बोलते हैं इसको? फोटोन। तो ये इसको हम पार्टिकल मानेंगे, एक बॉल मानेंगे। क्या मानेंगे? बॉल। तो हमने मान लिया ना कि लाइट हमारा एक पार्टिकल है। क्या है? पार्टिकल, जो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सकता है। धक्का, जैसे मैंने कहा एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मारता है, वैसे ही जब हमारा लाइट एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को भी धक्का मार देगा। यानी कि जो लाइट है, क्या है? एक पार्टिकल। जैसे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को धक्का मार सकता है, वैसे लाइट हमारे इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के निकाल सकता है। ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं। तो हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा लाइट है, लाइट वो पार्टिकल की तरह है। कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। और कुछ एक्सपेरिमेंट हुए इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो कहते नहीं, लाइट जो है लाइट पार्टिकल नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं। तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई, हम पगला से गए। हमने कहा यार ये क्या चल रहा है, अभी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहता है कि लाइट पार्टिकल है, और अगले पल अगर मैं इन एक्सपेरिमेंट को करता हूँ तो ये इनकार करते, कहते भाई लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट आपका वेव है। लाइट क्या है? वेव। यानी अब हमारा पंगा ये है कि लाइट पार्टिकल है कि वेव। हम अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहता है कि लाइट पार्टिकल, एक घंटे बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कहता है लाइट वेव है। और एक्सपेरिमेंट दोनों ही सही है। यानी जो हमारा लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका हम बिहेवियर नहीं समझ पा रहे। कभी एकदम से बोलता है मैं पार्टिकल हूँ, और कभी एकदम से बोलता है मैं वेव हूँ। तुम कर क्या लोगे, है ना? तो ऐसी बातें चल रही कि भाई लाइट का कैसा नेचर है। तब कॉन्सेप्ट आया ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। भैया हम समझ नहीं पा रहे कि तू लाइट है कि पार्टिकल है, सॉरी वेव है कि पार्टिकल। जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं तुझे पार्टिकल बोल लूँगा, और जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं तेरे को वेव बोल लूँगा। तो हमने वहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया, क्या? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
क्या बात समझ में आ गया? तो जो भी आपने मुझसे सीखा वो आप लिख सकते हो, फिर मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए यहाँ से ना, अब लाइट को पार्टिकल साबित करने के लिए मैंने कहा देखो लाइट जो है, लाइट एक पार्टिकल है। अभी आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था लाइट को पार्टिकल साबित करने के लिए, जो बात करी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें लाइट को आप गेंद की तरह मान रहे हो, एक गेंद है जो किसी इलेक्ट्रॉन पे टक्कर खा सकता है। तो ऐसी हमने बातें मानी, इमेजिन किया आपको समझाने के लिए। अब देखिए लाइट को पार्टिकल साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया। अब वो एक्सपेरिमेंट देखो मैंने बहुत ही रैंडमली रफली पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बोला गया देखो अगर लाइट को हम पार्टिकल साबित कर देंगे कैसे। देखो एक्सपेरिमेंट किया गया कि प्लैटिनम लिया गया, बहुत रफली बता रहा हूँ आपको, प्लैटिनम एक मेटल है, क्या है मेटल, उसके इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिए गए कैसे भी हमने कर लिया इलेक्ट्रॉन काउंट। हमने बोला कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। एक प्लैटिनम है, प्लैटिनम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 10। अब क्या किया गया, एक लाइट उससे स्ट्राइक हुई, फिर लाइट के सोर्स को मान लो हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया हमने बंद। अब इलेक्ट्रॉन को हमने काउंट किया तो मान लो हमें मिला 11 इलेक्ट्रॉन, कितना मिला या 12 इलेक्ट्रॉन मिला, तो हम तो चौंक गए, हमने कहा ये कैसे हो गया। तो हमने ये इमेजिन कर लिया है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये सब थियोरीज है, ये सोचा गया है, आप सोचने का प्रयास करना कि पक्का जो लाइट आया होगा वो इलेक्ट्रॉन बन गया हो, क्या बन गया होगा इलेक्ट्रॉन, यानी लाइट क्या है एक पार्टिकल ही है, लाइट क्या है जब, मतलब आपको मैं थोड़ा और अपनी भाषा में अपने नॉलेज से समझाऊँ तो ऐसा समझिए कि जो लाइट है लाइट वो पार्टिकल ही है, वो क्या है वो, अगर वो इलेक्ट्रॉन, देखो मेरी बात को समझना, सब कुछ छोड़ो, ये लाइट है लाइट चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो आपको लग रहा है ये वेव है, क्या ये लाइट चल रहा है ऐसे तो लग रहा है वेव है, लेकिन उस लाइट को मैं रोक दूँ तो आपको नज़र आएगा ऐसे पार्टिकल, क्या आएगा ऐसे। या ऐसा भी कहा जाता है कि लाइट को जब हमने समेट लिया तो इलेक्ट्रॉन बन गया, क्या बन गया, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को तोड़ दूंगा तो लाइट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यानी दो बिहेवियर है, कैसे बिहेवियर है लाइट के, वो पार्टिकल भी है और वेव भी, वो डिपेंड करता है कि आप देख कैसे रहे। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब वो लाइट दौड़ रहा है लाइट, तो वेव की तरह नज़र आएगा, किसी तरह नज़र आएगा वेव, लेकिन वही लाइट बैठ गया कहीं पर रुक गया तो वो पार्टिकल की तरह नज़र आएगा। ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसी बातें आपसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ खास इसमें जानने वाली बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि लाइट को आप एक इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट कर सकते हो, या ऐसा समझ लो कि लाइट, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, इतना नहीं बोलना चाहिए मुझे, कि वेव को है ना, वेव को पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। अभी हम इसके ऊपर काफ़ी डील करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। एक लोग कॉल अटेंड कर लूँ फिर बातें करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि तुम कन्फ्यूज़ हो गए हो, पर बेटा इतना कन्फ्यूज़ होने वाली बात है ही नहीं। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो इमेजिन करो चल क्या रहा है। अगर मैं आपको बहुत बेस्ट एग्जांपल दूं कि मान लो क्रिस मूवी देखी है, अगर क्रिस रुका हुआ है तो नज़र आएगा पार्टिकल जैसा, आदमी जैसा, लेकिन वही क्रिस तो बहुत तेज भागता है वेव की तरह, लहर की तरह। तो देखो ये डिपेंड कर रहा है कि आप देख कैसे रहे हो। तो हमने बोला लाइट के दो नेचर है, पार्टिकल भी और वेव भी। तो ऐसा समझ सकते हो कि लाइट अगर बाई चांस कभी रुक गया तो हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल, बात समझे। लेकिन अगर लाइट चलता ही है तो हम बोलते हैं उसको वेव है, या अलग अलग कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो पार्टिकल है, अलग अलग कंडीशन में कह सकते हैं वो वेव है। यानी वेव कहना या पार्टिकल कहना ये डिपेंड करता है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। यानी ऐसा कह सकते हो कि वेव हमारी, जो लाइट है लाइट हमारी तरह मूड ही बनता है, जब मन किया पार्टिकल जैसा दिख रहा है, जब मन किया वेव जैसा दिख रहा है। इसलिए नाम है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो आगे चल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए, बहुत सारा पंगा चल रहा था, तो उस टाइम पर ही एक साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। अब देखिए डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉय, जो भी नाम हो आप समझिए। वैसे मैं डी ब्रॉगली के बारे में बताऊं तो ये थे हमारे, ध्यान रखना, आर्ट्स बैकग्राउंड से, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा है मैं बता रहा हूं आपको, ये आर्ट्स बैकग्राउंड से थे, लेकिन साइंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आई थिंक इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो साइंस का सबसे ऊंचा प्राइज़ है। देखो आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा साइंस में कैसे घुस गया, तो इनका भाई है, उनका नाम भी ब्रॉगली है, ठीक है, वो साइंस बैकग्राउंड से थे। जब भाई को काम करते देखते थे साइंस के फील्ड में तो इनका भी इंटरेस्ट जग गया, तो ये भी साइंस के फील्ड में घुस गए, और साइंस के फील्ड में घुसने के बाद इन्होंने तबाही मचा दी।
इनका बहुत नाम है डी ब्रोगली का। अच्छा, डी ब्रोगली साहब ने क्या किया, तो डी ब्रोगली साहब का ये कहना था कि देखिए साहब, जो आप इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आप इसको पार्टिकल समझ रहे, क्या समझ रहे, पार्टिकल, या इसको मैटर समझ रहे हैं, मैटर, आप इसको पार्टिकल समझो या कोई मैटर समझो, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो वेव जैसा भी बन सकता है या वेव हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो लाइट है, लाइट वो लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। लाइट वेव जैसा बिहेवियर भी सेव करता है, पार्टिकल जैसा भी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो पार्टिकल है वो वेव जैसा बिहेव कर सकता है। पहले क्या पढ़ा था कि जो लाइट है, लाइट वो वेव था, वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा था। यानी अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है कि पार्टिकल वेव जैसा बिहेव कर सकता है और वेव पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है। यानी कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लग गया कि चल क्या रहा है। तो मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ, देखो मैं पार्टिकल हूँ, मैं वेव भी बन सकता हूँ। कोई वेव है वो पार्टिकल भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? अब डी ब्रोगली की बात करते हैं। अगर मैं डी ब्रोगली की बात करूँ तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला, समझना, तो डी ब्रोगली साहब ने बोला देखो भाई, आप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोलो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन गति में है, किसमें है, अगर इलेक्ट्रॉन गति में है, बहुत तेज गति में है, तो वो वेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आप खुद सोचो, क्रिस है, क्रिस ऐसे खड़ा है, प्रियंका चोपड़ा से बातें कर रहा है, तो आदमी जैसा, पार्टिकल जैसा, मैटर जैसा, अब वही क्रिस भाग रहा है पागलों की तरफ, मास्क पहन के, शूं शूं शूं, तो कैसे, किसकी तरह, वेव की तरह। तो वही वाली बात डी ब्रोगली साहब बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है तो उसको पार्टिकल बोल, मुझे दिक्कत नहीं, ये रहा पार्टिकल, दिखा दे दुनिया को। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो वो अगर गति में है तो वेव कैरेक्टर शो करेगा। क्या शो करेगा, वेव कैरेक्टर, या अपने आसपास वेव को बना लेगा, अपने आसपास वेव को बना लेगा। बात समझ पा रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक है मैटर वेव के ऊपर, किसके ऊपर है, मैटर वेव, कि जो मैटर होता है, मैटर जो मैटर है या मटेरियल है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन कब, जब मटेरियल किसमें हो, मोशन में हो। पहले क्या बात चल रही थी, पहले बात चल रही थी कि जो लाइट है, क्या है, लाइट, यानी लाइट मतलब वेव, जो लाइट है, लाइट वो वेव है, वेव पार्टिकल बन गया या पार्टिकल जैसा बिहेवियर शो कर रहा है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, जो मैटर है, जो पार्टिकल है, उसका वेव जैसा बिहेवियर। और सारा कॉन्सेप्ट किस बात पर आके टिका हुआ है, अगर तू रुका हुआ है तू पार्टिकल है, क्या है, तू भाग रहा है तू वेव। तो लाइट जब भागती हुई दिखाई देगी या जब हम डिफ्रैक्शन करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे, तो लाइट क्या होगा, वेव। लेकिन वही लाइट जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होगा, क्या बन जाएगा वो, पार्टिकल, पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, है ना? तो लाइट जैसे दो नेचर शो करता है, वेव भी और पार्टिकल भी, वैसे ही पार्टिकल भी खुद वेव बना सकता है अपने आप के आसपास, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था। तो अगर हम टॉपिक को स्टार्ट करके लिखना स्टार्ट करें, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मैटर वेव के बारे में। मैटर वेव का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है कि जो मैटर है, मैटर, मैटर मतलब इलेक्ट्रॉन, आदमी, सेब, केला, वो वेव जैसा बिहेव कर सकता है, वेव जैसा बिहेव कर सकता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट हम डी ब्रोगली के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा होगा डी ब्रोगली का, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली साहब ने बोला कि जो, देखो भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है HYMV। अब बोलो सर वेवलेंथ क्या होता है? अरे अगर मैं ऐसी बात करूँ आपसे, कोई वेव है, वेव, तो वेव की क्या होगी, वेवलेंथ। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू, अगर किसी चीज़ के पास मास है, क्या है, अगर किसी चीज़ के पास वेलोसिटी है, अगर किसी चीज़ के पास मास है एंड वेलोसिटी है। चलो अभी बात करते हैं। अब जैसे कि अब इस कॉन्सेप्ट का मतलब समझो, डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब समझो। देखो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा मेरे पास मास है, मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, क्या उसके पास वेलोसिटी होती है? अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास है, वेलोसिटी है, तो
तो जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक वेवलेंथ, क्या मिलेगा? और वेवलेंथ किसकी होती है? वेव की। जिस जिस चीज़ के पास क्या है, मास एंड वेलोसिटी, उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ, यानी वो वेव होगा। क्या होगा? यानी मैं भी सूरज की तरह, सूरज की लाइट की तरह, मैं सनलाइट की तरह। क्यों? मेरे पास मास है, मेरे पास क्या है? वेलोसिटी। यानी जब मैं दौड़ूंगा तो मैं भी सनलाइट बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? पर मैं ऐसा नज़र नहीं आऊंगा। क्यों? मेरी गति बहुत कम है, गति बहुत, यानी ये जो फॉर्म, मेरी स्पीड बहुत कम है। यानी जो फार्मूला है, फार्मूला किन के लिए वैलिड होगा? कब हमें वेव नज़र आएगा? जब स्पीड बहुत ज़्यादा हो। अरे मैं तो ऐसे दौड़ रहा हूँ तो अभी भी मैं पार्टिकल की तरह ही दिख रहा हूँ। क्या मैं अपने आसपास वेवलेंथ बना रहा हूँ? वेवलेंथ बना रहा हूँ। अरे मेरे पास मास है, मेरे पास वेलोसिटी है, तो मेरे आसपास वेवलेंथ भी है। मैं वेव हूँ पर मैं वेव जैसा नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हूँ, बहुत बड़ा, और मेरी वेलोसिटी भी बहुत कम है, वेलोसिटी बहुत। लेकिन अगर मेरी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, किस की तरह, किसी तरह, तो क्या मैं वेव बन जाऊँगा? हाँ। यानी कि ये जो फॉर्मूला है किसके लिए वैलिड है? हाई स्पीड पार्टिकल के लिए। किसके लिए वैलिड है? हाई स्पीड पार्टिकल। हाई स्पीड पार्टिकल हो, या ऐसा कह सकते हैं हम, जिसका मास कम हो। मास क्या हो? कम। क्योंकि अगर कम मास होगा, जैसे हमने बोला, मेनली बताऊं तो जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या, मतलब मेनली बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ही हमने क्लास 11th में पढ़ना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? कम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मास कम एंड वेलोसिटी बहुत, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या बन जाए? हमारा इलेक्ट्रॉन वेव जैसा दिखाई देता है। हमारा इलेक्ट्रॉन वेव जैसा दिखाई, रीज़न क्या है? रीज़न उसका स्पीड ज़्यादा और मास क्या है? कम। आपसे कोई तुम्हारा टीचर पूछे, बेटा तू वेव है क्या? तू बोलेगा हाँ मैं वेव बन सकता हूँ, मैं वेव जनरेट कर सकता हूँ, मैं वेव जैसा हो सकता हूँ। क्यों हो सकता है? क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोला है। किसने बोला है? और डी ब्रॉगली ने क्या बोला है कि जिसके पास मास है और गति है, मास और स्पीड है, वो क्या बन जाएगा? वेव। तभी टॉपिक का नाम क्या है? मैटर वेव। कि मैटर क्या है? वेव। और ये फॉर्मूला है बहुत सिंपल, एच का मतलब प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। देखिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन ये निकल के आएगा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, देयर इज अ वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। एवरी मूविंग की एक वेवलेंथ होता है हर मूविंग पार्टिकल के आसपास। या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, चलो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली देर इज अ वेव एसोसिएटेड, यानी जुड़ना, विथ एवरी मूविंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला, जहाँ एम है मास ऑफ पार्टिकल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज वेलोसिटी, ठीक है। तो ध्यान रखना हर मूविंग पार्टिकल के पास आसपास क्या होता है? वेव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे नोट कर लो, एग्जाम में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन की हम बात करें इस टॉपिक के ऊपर, तो लिखा है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल। अब देखो बॉल की वेवलेंथ की बात कर रहा है, और वेवलेंथ होती किसकी है? वेव की। यानी वो कह रहा है कि बॉल क्या है? वेव। तो कह रहा है कि भैया बताओ कि कितना होगा वेवलेंथ एक बॉल का। बॉल का मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आप जानते हो एच बाई एम वी। एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया तो इतनी वैल्यू निकल के आई, तो ये वेवलेंथ है बॉल का। अब आप ठीक से देखोगे तो ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो बहुत ही कम है। कितना है देखो, 6.626 10^-34, इतना कम ये वेवलेंथ है। एक जो बॉल है, बॉल, उस बॉल का वेवलेंथ कितना है? बहुत कम। इसीलिए बॉल आपको वेव की तरह नज़र नहीं आता। बोलो क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या आता है? बहुत ही कम। क्योंकि बॉल की खास बात क्या है? बॉल बहुत तेज नहीं घूम सकता, बहुत तेज नहीं जा सकता बॉल, इलेक्ट्रॉन जैसा थोड़ी होता है। और बॉल का क्या है? मास। मास भी काफ़ी क्या है? ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो? यानी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब वेवलेंथ बहुत कम आएगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैं चाहे एक बॉल, एक वेव नज़र नहीं आती। रीज़न क्या है? हमारा जो वेवलेंथ है वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जो डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है क्या तेरे लिए वैलिड है, तो आप बोलोगे वैलिड तो है, वैलिड तो
लेकिन उससे जो वेवलेंथ निकलेगा, उससे जो वेवलेंथ निकलेगा वो वेवलेंथ क्या होगा, नेग्लिजिबल। तो कुल मिला के क्या हो गया कि डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला है वो छोटे पार्टिकल्स के लिए, एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। ज़्यादा सूटेबल तो सबके लिए है, पर ज़्यादा सूटेबल किसके लिए, छोटे पार्टिकल के लिए। क्यों? क्योंकि बड़े पार्टिकल का जो वेवलेंथ आएगा वो नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा, तो कितना कम आया, 10^-34, इतना कम वेवलेंथ है, दिखेगा हमें, पता लगेगा नहीं। स्मॉल पार्टिकल के लिए वेवलेंथ अच्छा खासा आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन किया, आपको भी एक कॉन्सेप्ट भी समझाया, और ये क्वेश्चन आता भी है कि डी ब्रोगली बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड है कि छोटे के लिए। बड़े का मतलब होता है मैक्रो, क्या होता है, और छोटे का मतलब होता है माइक्रो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसके लिए वैलिड है, माइक्रो के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, और पूछा है वेवलेंथ। क्या पूछा है, देखिए अगर आप वेवलेंथ पूछा है तो आप लिखेंगे एच वाई एम वी। देखिए एच की वैल्यू पता है आपको, मास भी पता है, दे रखा है मास, आपको सब कुछ पता है, आपको वेलोसिटी नहीं पता। तो वेलोसिटी के लिए क्या दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी। क्या दिया उसने, तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी को लिख देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 10^-25। यहाँ से हाफ मास की वैल्यू पुट करेंगे 9.1 10^-31, और यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का, तो यहाँ से वेलोसिटी निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, उस वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तब जाके क्या निकलेगा हमें, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। वैसे जो वेलोसिटी, अगर तुम्हें याद करना है, रट्टा मारना है, ये क्वेश्चन डिक्टो आता है, तो जो वेलोसिटी की वैल्यू निकल के आती है 812, कितनी आती है 812, तो यहाँ पर 812 पुट कर देना बस, ये याद ही कर लो, ये क्वेश्चन सेम आता है। दोबारा समझ में आया, नहीं समझ में आया, हाँ देखो सुनो मेरी बात सुनो, हमें करना क्या था, सुन लो दोबारा, निकालना था वेवलेंथ। होता क्या है, एच वाई, एच पता है, एम पता है, वी नहीं पता। वी कहाँ से निकालोगे, उसके लिए क्या दिया उसने, काइनेटिक एनर्जी। के का फॉर्मूला लिखा, वहाँ से वी निकाला, 812 यहाँ पुट किया। एक तरीका ये है, दूसरा ये तरीका जो कंपटीशन में यूज़ होता है, देखो वेवलेंथ का डायरेक्ट फार्मूला, एच वाई 2m काइनेटिक एनर्जी, ख़त्म। ये फार्मूला ध्यान रखना, एच बाई 2m काइनेटिक एनर्जी। आपको h की वैल्यू पुट करनी है, 2 की वैल्यू पुट करनी है, मास पुट करना है, और डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी। ये हम 12th में सीखेंगे, कहाँ सीखेंगे, पर तुम 11th में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। तो देखो जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हो, क्या बोला मैंने, जब भी काइनेटिक एनर्जी दिया हो, वेवलेंथ पूछा है, तो ये ट्रिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे करो, लंबा है ना बहुत, स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व करो, इससे है सॉल्व करना, स्क्वायर नहीं, सिंपल पुट करना है, एच की जगह एच, एच पुट कर दिया नीचे, टू यहाँ मास पुट कर दिया, यहाँ के पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज ठीक है ना, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं, है ना, अगली क्लास में, बाय।